अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जॉन बारला जब से दिल्ली से लौटे हैं लगातार अपने अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज इसी क्रम में वह सुरेंद्रनगर चाय बागान रेड बैंक पहुँचे, जहां उन्होंने सुरेंद्रनगर सालबाड़ी इलाके के समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला ने राज्य सरकार से मिलकर फिर काम करने की बात दोहराई। जॉन भैया, आप द्वार में आए हैं, जब से तब से आपका काफी टाइट शेड्यूल चल रहा है, लेकिन सुरेंद्रनगर चाय बागान के लोगों ने आपको वोट दिया था, आप भूले नहीं। आज इस सुरेंद्रनगर चाय बागान में पहुंचे हैं, यहाँ के लोगों का काफी समस्या है, क्या क्या बातचीत की है लोगों से? रेड बैंक सुरेंद्रनगर सालबनी है ना, यहाँ का जनता ने आशीर्वाद दिया है और ये 22 साल से बंद पड़ा हुआ है और इसका लीज भी कैंसिल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नया मालिक खड़ा नहीं कर रहा है। और हम चाहते हैं केंद्र सरकार हर समय चाय बागान का मजदूर के पास खड़ा होना, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय मजदूर को प्यार किया है। मैं एक चाय बागान का मजदूर हूँ और मुझे आशीर्वाद मिला है एक मंत्रिमंडल जनता का सेवा के लिए। इसका मतलब इससे जाहिर होता है कि हमारे प्रधानमंत्री की चाय बागान के मजदूर खुद चाय बनाने वाले है ना, चाय बिक्री करने वाले आज चाय मजदूर को आज मंत्री बनाया है और चाय बागान का मजदूर से कितना प्यार करते हैं इसी से पता चलता है। और मैं इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता को सेवा करने के लिए मौका मिले। अवश्य मैं इस 22 साल से बंद पड़ा हुआ बागान को आने वाला दिन कल का दिन में मैं जरूर केंद्र सरकार के पास ऐसे भी रखा हूँ और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलके काम करना चाहता है। बंद जितने भी डुअर्स में तराई में पहाड़ में जितने भी चाय बागान बंद है, कम से कम केंद्र सरकार हर समय तैयार है। अगर इसका ज़रूरत पड़ेगा कोई पैकेज तो भाई राज्य सरकार से बात करके मैं पैकेज के लिए मैं केंद्र सरकार से बात करूंगा। अच्छा मंत्री जी, आप हमेशा राज्य सरकार से मिलके बात करने की बात करते हैं, आप इस पक्षधर भी रहे जी है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई जगह आपके काफिले वगैरह को भी रोका जा रहा है और लोगों से मिलने में बात। देखिए, ये हमारा बहुत जगह काफिला को रोका गया और मेरा मंच को भी तोड़ा गया। देखिए, इससे मंच को तोड़ने से हमारा कार्यकर्ता का दिल को कभी नहीं तोड़ सकता है। मोदी के दिल में हर जनता बस गया है, जनता बस गया है, जनता का दिल में मोदी जी बस गया है, इसीलिए इस दिल को कभी भी नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए यहाँ का जनता ने मोदी जी को साथ दिया है, आज मंत्रिमंडल बनाया है और आने वाला दिन अवश्य है अगर राज्य सरकार हमें कोऑपरेशन करेगा तो हम देश को और इस राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे। दूसरा राज्य केंद्र के साथ जिस राज्य में हमारा सरकार है उस राज्य में देश उस राज्य बहुत आगे निकल गया, लेकिन इस राज्य हमेशा केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा उन्नति का बात नहीं करती है, हर समय राजनीतिक। कम से कम आज का दिन में आप सरकार चल रहे हैं, राजनीतिक से दूर हट के कम से कम जनता का सेवा करने के लिए केंद्र के साथ हाथ मिला के कम से कम जनता को हर योजना को कम से कम घर घर तक पहुँचाए, यह उद्देश्य से हम आज सुरेंद्रनगर चाय बागान में आया हूँ। एनआई द्वारा न्यूज़ के तरफ से आपको मंत्री बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद।